हेलो एवरीवन, आज से लूथरा मैंशन की मालकिन मैं हूँ। यानी कि ये घर मेरा है। अरे कहाँ थी आप? मैंने आपको कितना मिस किया। आप मुझसे सिर्फ एक बार कह देती कि आपको ये घर चाहिए तो मैं बिना सोचे समझे आपके नाम कर देता। एक्चुअली इस घर का मालिक अब मैं हूं। अभी सबके सामने करण ने हमारे कोलैबोरेशन के पेपर साइन किए, तो इस घर की मालकिन आप कैसे हुई? आप चाहे तो ये पेपर्स चेक कर लीजिए, ये साइंड एंड रजिस्टर्ड है मेरे नाम पर। I'm sorry, आपके जैसे पेपर्स नहीं है जो रजिस्टर्ड ही नहीं है लीगली। सो दे डोंट मीन एनीथिंग। एक्चुअली आपके साथ डील करने से पहले करण लूथरा ने मेरे साथ डील कर ली थी। अपनी ये प्रॉपर्टी मेरे नाम पर कर दी थी। I mean, अपनी सारी प्रॉपर्टी मुझे बेच दी थी। अंशुमन पांडे, मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी इनके नाम पर कर दी। आई मीन अपनी सारी प्रॉपर्टी मैंने इनको बेच दी। इसका मतलब तुम दोनों ने मेरे साथ फ्रॉड किया है। एक ही प्रॉपर्टी को दो लोगों को बेचा है। मैं तुम्हारे खिलाफ ना 420C का केस कर दूंगा। रियली? मिस्टर पांडे, आपके अनरजिस्टर्ड पेपर्स पे साइन हुई है जिसका कोई केस बनता ही नहीं, और 420C का केस तब बनता है जब पेपर्स रजिस्टर किए गए हो और उस पे सिग्नेचर्स किए गए। इतनी नॉलेज तो बेसिक है, सबको पता होता है। इनफैक्ट जो पढ़े लिखे होते भी नहीं है उसे भी पता होता है। इसका मतलब तुम करण और राजवीर की मासी के साथ मिली भी थी? मिली हुई थी? इसका क्या मतलब? मिस्टर पांडे, वी आर फैमिली। एंड यस, आपकी ये बात बिल्कुल सही है कि मुझे पहले से पता नहीं था कि करण सर और राजवीर की मासी एग्जैक्टली क्या प्लान कर रहे हैं, लेकिन आपके साथ साथ मुझे भी पता चल गया।